हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि अब तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है केवल उन्हीं टॉपिक को अभी हम लोगों ने शॉपिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर में इम्प्लीमेंट किया। और आज हम लोग कुछ न्यू पढ़ेंगे और उन टॉपिक को जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे उन सारे टॉपिक को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे हम लोग शॉपिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस का डिटेल, राइट। सो दिस फंक्शन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू नेक्स्ट जेएस, बट वी विल फ्रिक्वेंटली यूज दैट फंक्शनैलिटी इन नेक्स्ट जेएस, क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो जावास्क्रिप्ट होता है, और जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन है वही हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को अच्छी तरह से पढ़ा है फिर तो अच्छी बात है, और अगर कुछ पॉइंट आप मिस कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आने वाले जो भी क्लासेस होंगे उसके अंदर हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे ES6 के सिंटैक्स को, और फंक्शन से रिलेटेड जितने भी डेप्थ कंसेप्ट हो सकते हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग उन फंक्शन को फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लो सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द कमिंग वीडियोस, राइट। So let's start the deep diving into a function, right? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, ये शॉपिंग प्रोजेक्ट नहीं है, जिसमें हम लोग पहले से सेशन पढ़ते आ रहे थे वही वाला प्रोजेक्ट है हमारा, राइट। ये जो हमारा फोल्डर था YouTube 2023, और उसके अंदर में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट ऐप, राइट। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डेव सर्वर को। सो npm run dev. All right, our server is up and running, and let's see the output. So just opening my browser and run the project. So ये वही project है जिस पर हम लोग अपना session complete करते आ रहे थे, right? तो इसी को हम लोग अभी continue करेंगे। ये हमारा server start हो चुका है, और अब हम लोग आते हैं अपने VS Code के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके जो मेन प्रोजेक्ट है, अब देख लो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट जो होगा उसके अंदर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, राइट। सोर्स के बाहर करना है, राइट। सोर्स के अंदर हम लोग नहीं बना रहे, जिस लेवल पे हमारा सोर्स है उसी लेवल पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करके और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट। और न्यू फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ demo.js, क्योंकि हम इसको परमानेंटली नहीं रखने जा रहे हैं, जस्ट सीखना है हम लोगों को कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में हम लोग फंक्शंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया demo.js, एंड लेट्स सी वेदर दिस demo.js इज वर्किंग और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग कैसे टेस्ट करते हो, तो कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं हम लोग, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेलो डेमो, राइट। और इसको रन कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले तो आप टर्मिनल ले आओ, राइट। तो टर्मिनल लाने के लिए आप कंट्रोल बैक क्लिक कर दो अगर आप विंडोज के अंदर में हो, राइट। और करोगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनल आ जाएगा। अगर इससे नहीं आता है तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर में आपको मिलेगा टर्मिनल, राइट। सो हेयर इज द टर्मिनल, यू विल गेट द सेम थिंग्स, राइट। YouTube 2023 और उसके अंदर में फर्स्ट ऐप, राइट। अब यहाँ से हम लोगों को demo.js को रन करना है, तो रन करने के लिए नोड एंड देन फाइल नेम demo.js, राइट। सो यू आर गेटिंग हियर द रिजल्ट हेलो डेमो, ऑल राइट। सो इट्स वर्किंग। अब अगर हम लोगों को फंक्शन बनाना है तो आप नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हो, तो पहले लिखते हैं हम लोग फंक्शन एंड द फंक्शन नेम, राइट। और फंक्शन नेम सपोज मैंने लिखा यहाँ पे डिस्प्ले, एंड देन व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले। तो जस्ट हमको टेस्ट करना है, सो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड हम लोग नहीं लिखेंगे, बस टेस्ट करना है फंक्शंस को, राइट। सो हेयर इज कंसोल लॉग एंड देन डिस्प्ले द मैसेज। सो आई एम डिस्प्लेइंग द मैसेज दैट इट इज डिस्प्ले फंक्शन, एंड सेव इट एंड रन। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। So first of all, we have to call the function, and once you are calling a function and then executing our code,
देन यू विल गेट द रिजल्ट. सो इट इज डिस्प्ले फंक्शन, राइट. तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन फंक्शन है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हो, राइट. कि एक फंक्शन हमने बनाया, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन डेफिनेशन, राइट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन डेफिनेशन. सो राइट डाउन हियर द फंक्शन डेफिनेशन, एंड दिस फंक्शन डेफिनेशन इज ऑल्सो नोन एज अ फंक्शन स्टेटमेंट, राइट. ये हमारा एक फंक्शन का स्टेटमेंट है, क्लियर. सो दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन स्टेटमेंट, राइट. एंड दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, राइट. तो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो फंक्शन डेफिनेशन तो रहेगा बट दिस फंक्शन विल नॉट बी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड अंटिल अनलेस यू आर कॉलिंग द फंक्शन, राइट. अब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, इस डिस्प्ले फंक्शन को किसी और वेरिएबल के नेम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, एंड सपोज हमने नाम लिया डिस्प, और डिस्प के अंदर में हमने रख दिया डिस्प्ले, राइट. अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्ले हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, राइट, तो इस फंक्शन को हम लोगों ने डिस्प के अंदर स्टोर किया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है उसका रेफरेंस स्टोर हो गया डिस्प नाम के वेरिएबल में, राइट. अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन है और फंक्शन का साइन जो होता है वो पैरेंथेसिस होता है, तो मैंने यहाँ तो पैरेंथेसिस दिया नहीं, तो देना भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन देते हो साइन, राइट, फंक्शन साइन देने का मतलब हो गया कि यू आर कॉलिंग द फंक्शन. बट यहाँ पे मुझे कॉल नहीं करना है बल्कि इस फंक्शन का एक रेफरेंस स्टोर करना है डिस्प नाम के वेरिएबल में, ऑल राइट. तो बाद में फ्यूचर में कभी आपको इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना होगा तो आप इस डिस्प नाम के वेरिएबल से भी कॉल कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे अगर मैंने डिस्प को कॉल किया तभी भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट, कि इट इज अ डिस्प्ले फंक्शन. लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड ट्राई टू रन द फंक्शन. सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, इट इज डिस्प्ले फंक्शन. तो यहाँ पे देखो ब्यूटी ऑफ फंक्शन कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि फंक्शन को एज अ वेरिएबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. और इस वेरिएबल को हम लोग फ्यूचर में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑल राइट. अब देखो एक और न्यू चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि ये जो डिस्प्ले हमने कॉल किया तो कॉल ना करके अगर मैं इसको डिस्प्ले करता एज अ वेरिएबल, राइट, कि कंसोल लॉग के अंदर में मुझे डिस्क को डिस्प्ले कराओ, राइट, तो आप गेस कर सकते हो कि डिस्क के अंदर में क्या आउटपुट आएगा. ऑल राइट, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, राइट, कि डिस्क के अंदर में सर मैंने रखा था डिस्प्ले नाम के रेफरेंस को, राइट. तो डिस्प्ले रेफरेंस किसको पॉइंट कर रहा है, इस फंक्शन को. तो ये जो पूरा फंक्शन है वो इस डिस्क के अंदर में है, तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो पूरा फंक्शन ही प्रिंट करेगा, राइट. तो यहाँ पे देखो स्क्रीन को क्लियर करते हैं और रन करते हैं नोड जेएस. सो वी आर गेटिंग हियर अ फंक्शन, राइट, बिल्कुल हमको सही मिला, ये डिस्क फंक्शन है, राइट. ऑल राइट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट. अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जब हम लोग फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर में, राइट, तो हम डायरेक्टली फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं एज ए वेरिएबल, राइट. तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं चलता हूँ डायरेक्ट लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड डिस्प इज इक्वल्स टू एंड होल फंक्शन, राइट. तो जो हम लोगों ने पहले फंक्शन बनाया था ना डिस्प्ले का, राइट, ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने किस में स्टोर कर दिया, डिस्प नाम के वेरिएबल में, राइट. यहीं पे आप लिख रहे थे ना डिस्प्ले, राइट, तो मैंने उस डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया पूरे फंक्शन के डेफिनेशन से, राइट. तो ये चला गया होगा किसके अंदर में, डिस्प नाम के वेरिएबल में, और जब इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं किसको कॉल कर लूंगा, डिस्प को, राइट. अब अगर डिस्प को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और रन करके चेक करें कि क्या आ रहा है तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, इट इज डिस्प्ले फंक्शन, राइट. बहुत बढ़िया. चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं कि जब हम लोग डिस्क के अंदर में रख दिया इस पूरे फंक्शन डेफिनेशन को तो ये क्या बन गया हमारा, एक फंक्शन एक्सप्रेशन,
राइट, ये बन गया हमारा क्या चीज, फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। और जब फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, राइट। ऑल राइट, अब देखो यहां पे मैं डिस्प नाम के वेरिएबल में रखा तो डिस्प के थ्रू तो कॉल हो रहा है, लेकिन जब मैं डिस्प्ले को कॉल करूं तो क्या होगा, गेस करके बताओ हमें। डिस्प्ले को अगर मैंने कॉल किया तो क्या आउटपुट आएगा? ऑल राइट, आपको आउटपुट आ गया होगा, आप रन करके मत देखना, राइट, यू जस्ट हैव टू गेस दैट व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर आपका आउटपुट आ गया होगा तो देखो यहां पे हम लोगों का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो डिफाइन तो हुआ, बट इट इज नाउ रेफरेंसिंग थ्रू दिस डिस्प। तो डिस्प्ले जो होगा वो कहीं पे मेमोरी के अंदर में डिफाइन नहीं हुआ होगा, राइट। जो होस्टिंग का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे कि जिस समय मेमोरी क्रिएशन होता है उस टाइम में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में मेमोरी क्रिएट होता है, राइट। और वहां पे हमारे लिए इस डिस्प्ले नाम का फंक्शन का कोई मेमोरी क्रिएशन नहीं हुआ होगा, बल्कि ये सारा डेफिनेशन स्टोर हो गया होगा किसके अंदर में, डिस्प नाम के वेरिएबल में। तो मुझे डिस्प को जब कॉल करना पड़ेगा तो यहाँ पे एरर दे देगा, राइट। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे रन करते हैं फिर से और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके, सो वी आर गेटिंग हियर द एरर, राइट। सी हियर डिस्प्ले रेफरेंस एरर, डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो डिस्प्ले हम लोग को नहीं मिला, तो जब डिस्प्ले नहीं मिला तो फिर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले नाम को क्यों यूज कर रहे हैं? डिस्प्ले अगर मैं ना करूं तो क्या होगा? तो डिस्प्ले ना करूं तभी भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले का तो कोई भी रेफरेंस मेमोरी में क्रिएट होता ही नहीं है, राइट। तो मैं डिस्प्ले को ना कॉल करके अब मैं किसको कॉल करूंगा, डिस्प को, राइट। और अभी मैं चलता हूं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और फिर से रन करते हैं, राइट। तो अभी हमको आउटपुट मिल गया, नाउ जावास्क्रिप्ट इज हैप्पी, राइट। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया, अब यहाँ पे दो बातें, फंक्शन एक्सप्रेशन था तो पहले हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने नेम भी दिया था फंक्शन का, देन इट इज कॉल्ड द नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। क्या बोलेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड द नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। और अगर मैं इसके नेम को यहाँ से रिमूव कर दूँ, राइट, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ, राइट। नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, मैं इसको कमेंट करता हूँ और चलते हैं यहाँ पे दूसरे फंक्शन एक्सप्रेशन की तरफ, राइट। और इस जगह पे मैं इस नेम को यूज नहीं करने वाला हूँ, राइट। विदाउट नेम हम एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं डिस्क के अंदर में। तो ये मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन तो है, बट ये कैसा फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो एनोनिमस फंक्शन, राइट। अब एनोनिमस फंक्शन आपको मालूम होगा, वैसा फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता हो, राइट। अ फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड anonymous function, right? So this is called the anonymous function expression, right? तो एक named function expression हो गया और एक हमारा anonymous function expression हो गया, right? तो यहाँ पे अब तक हम लोगों को clear हो गया होगा कि हम लोगों ने कितने type का function expression create किया। अब यहाँ पे देखो function expression हम लोग बना लिया, तो जब हम लोगों का function represent होता है केवल इस पैरेंथेसिस से, तो फिर आप फंक्शन क्यों यूज कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस फंक्शन को ही ना लिखूं तभी भी तो फंक्शन बन जाएगा, जरूर बनेगा। तो अब देखो वो टाइप हम लोग अलग से करते हैं, फिर इसको मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं और इसको कमेंट कर लेता हूं सो दैट मैं आप लोगों को भी दे पाऊं इसको, और ये सब हमारे गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर रहेगा, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। मैं अपने GitHub रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑल राइट, नाउ कम टू दिस पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले थे कि ये जो फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं ना, ये फंक्शन हम लोग नहीं लिखना चाहते हैं, राइट। और जब फंक्शन नहीं लिखना चाहते हैं तो एक एडिशनल सिंबल यहाँ पे आपको ऐड करना है,
और वो सिंबल क्या है, एरो साइन, राइट। एंड दिस इज द ES6 सिंटैक्स एरो फंक्शन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एन एरो फंक्शन एक्सप्रेशन, दिस कॉल्ड एरो फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट। तो यहां पे मेरा काम चल गया। अब आप इसको अगर रन करना चाहो तो डिस्क को कॉल कर सकते हो और यहां पे हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं, राइट। सो वी आर गेटिंग हियर द रिजल्ट, इट इज डिस्प्ले फंक्शन, ऑल राइट। तो एक नए टाइप हम लोग पढ़ते हैं यहां पे और भी फंक्शन का, कि अगर हम लोग एक फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं तो एज एन आर्गुमेंट भी हम लोग फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, नहीं। जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम हम लोग रख लेते हैं कि यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग हायर, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा fn एज एन आर्गुमेंट, राइट। अब ये fn से मत समझ लेना कि यहाँ पे फंक्शन ही आएगा, आप कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है। बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू पास द फंक्शन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द नेम एज fun, एज अ फन, राइट। तो जब ये फन आएगा तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कॉन्सोल करके देख लेता हूँ, राइट। कॉन्सोल डॉट लॉग एंड देन प्रिंट द fun, राइट। तो अब इस हायर फंक्शन को जब आप कॉल करोगे ना, तो हायर फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या चाह रहे थे कि एक फंक्शन को पास करो, कौन सा फंक्शन, तो यहाँ पे मेरा तो फंक्शन बना हुआ है ना डिस्प, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे कि हायर नाम का एक फंक्शन है हमारे पास, इस हायर फंक्शन के अंदर में हम लोग पास कर लेते हैं किसको, तो डिस्प को, राइट। सो हेयर इज आवर फंक्शन हायर, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने चेंज कर लिया उसको, हायर, और हायर के अंदर में मैंने पास कर दिया किसको, डिस्प नाम के फंक्शन को। अब देखो ये जो फंक्शन है हमारा इस वेरिएबल के अंदर रिसीव होगा fun के अंदर, और इस fun को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करके देखना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ नोड जेएस को, तो इसके अंदर में एक डिस्प नाम का फंक्शन आ रहा है, राइट। टाइप यहाँ पे बता दिया, इट इज अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन रिसीव कर सकता है तो इसको हम लोग रन भी कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल रन कर सकते हैं। fun को अगर मैं कॉल कर दूँ तो ये फंक्शन मेरा रन कर जाएगा, और जैसे ही ये फंक्शन रन करेगा तो ये फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, डिस्प को। और डिस्प के अंदर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो डिस्प के अंदर लिखा है कि इट इज डिस्प्ले फंक्शन, सो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। देखो पहले, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ और चलते हैं आउटपुट। सो ये डिस्प फंक्शन है और इसका रिजल्ट यहाँ पे है, इट इज डिस्प्ले फंक्शन, ऑल राइट। तो मैंने हायर क्यों लिखा, तो ये जानबूझ करके मैंने हायर फंक्शन दिया, राइट। क्योंकि अगर हम लोगों का ऐसा कोई फंक्शन हो जो किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट रिसीव करता हो या फिर कोई फंक्शन को रिटर्न करता हो, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ हायर ऑर्डर फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट क्लास फंक्शन, राइट। या आप ऐसे बोल सकते हैं इसको कि फर्स्ट क्लास सिटीजन, राइट। सो इट इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर फंक्शन और फर्स्ट क्लास फंक्शन और फर्स्ट क्लास सिटीजन। ये आपके इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन कब कहलाएगा, या जावास्क्रिप्ट के अंदर में फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, या फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है। तो वैसा फंक्शन जो किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हो या किसी फंक्शन को रिटर्न बैक कर सकता हो, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ऑल राइट। यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसको मैं कॉल नहीं करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, राइट। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन को हम लोग एनोनिमसली डिफाइन करेंगे और डिफाइन करते ही उसको कॉल कर लेंगे, राइट। तो अगर सपोज करो कोई एक फंक्शन है, तो आप क्या करते हो, पहले फंक्शन देते हो, फंक्शन का नाम देते हो। सपोज मैंने नाम दिया डेमो, राइट। तो जैसे ही ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया तो इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए आप लिखते हो डेमो। यहाँ तक कोई भी कुछ नया नहीं है,
राइट। अब नया करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नया मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि एक फंक्शन होगा जिस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग अभी पहले देखे थे कि वैसा फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता है वो कहलाता है एनोनिमस फंक्शन, राइट। कोई बात नहीं, चलो। तो मैं अभी बोला था कि इसको भी हम हटा सकते हैं, फंक्शन को, एनोनिमस फंक्शन बनाना है तो, राइट। और जब कभी भी एनोनिमस फंक्शन हम लोग बना रहे हैं ना, तो इस फंक्शन का बॉडी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो जब फंक्शन हमारे पास नेम नहीं है तो इसको कॉल करने के लिए भी हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डेमो को, उसको भी हटा दिया, ऑल राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, राइट। और इस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर लेते हैं, एज एन एरो फंक्शन, राइट, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोल एंड देन हेलो डेमो एंड देन सेव इट, ऑल राइट। यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसका कोई भी नेम नहीं दिया और उसका बॉडी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और जैसे ही हमारा बॉडी कंप्लीट हुआ फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, राइट। तो इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं कि ये बात सही है या गलत है, फिर आपको मैं बतलाता हूँ इसको क्या बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ डेमो, सॉरी, यहाँ पे मैं रन करता हूँ नोड एंड देन आवर डेमो डॉट जेएस, राइट। ऑल राइट, वी हैव गॉट द रिजल्ट, हेलो डेमो, राइट। अब आप क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन पहले डिफाइन हुआ, और जैसे ही डिफाइन हुआ ये इमीडिएटली कॉल हो गया, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इफी, राइट, इमीडिएटली इनवोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट, इमीडिएटली इनवोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू, राइट। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये पॉइंट जरूर दिमाग में रखना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में इफी क्या होता है, राइट। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा था फंक्शन के बारे में वो सब क्लियर हो गया होगा, और इन सारे कंसेप्ट को एक साथ तो मैं प्रोजेक्ट में यूज नहीं करूंगा, बट ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा हमारे नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर में। जो फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं वो होता है एरो फंक्शन, राइट। तो आज के क्लास में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।